के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। मनुष्य देह में आने के बाद सौदा कौन सा करना चाहिए, यह सौदागिरी ग्रंथ में बताया हुआ है। सौदागिरी ग्रंथ कैसी बात है देखो, हम बढ़िया चीज़ें आप सुनो, जो नए लोग आए हुए उनके लिए भी थोड़ा सा मैं नए के हिसाब से भी थोड़ा सा लूँगा। हम लोग कहीं पे भी बाज़ार में जाते हैं तो जो हमारे पास पूंजी है वह पूंजी लेके जाते हैं और उसमें अच्छा से अच्छा सौदा करते हैं। सौदा यानी व्यापार, आप उसको बिजनेस व्यापार, आप ये भाषा समझते हो, सभी लोग सौदा करते हैं। सौदा करना यानी क्या, छोटे से लेके सो बड़ी बात, दिन भर हम सौदा करते रहते हैं। आप ख्याल में लाओ चीज, शादी 5 रुपए की मेथी की गड्डी लेना रहा तो सौदा हो गया, वो अच्छे से अच्छे क्या मिलता देखो। सादा मटका लेना रहा 20-50 रुपए का तो वही सौदा ही हो गया कि देखो क्या होता, अच्छे से अच्छे क्या मिलता। तो गुरु महाराज का सौदा एक बड़ा है, ये छोटे मोटे सौदे गुरु महाराज के है नहीं। हमारे गुरु महाराज है ही बड़े पराक्रमी और बहुत भारी चीज़ देने वाले, जो मोक्ष पद है वह मोक्ष पद गुरु महाराज देते हैं। सत्स्वरूप का जो पद है वह पद गुरु महाराज के शरण में जाओ तो गुरु महाराज दे देते हैं, दान में दे देते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज का सौदा भी बहुत भारी है। कौन सा सौदा करना, यह गुरु महाराज ने सौदागिरी ग्रंथ में लिखा हुआ है और हम कौन सा सौदा कर रहे हैं यह भी लिखा हुआ है। हम कौन सा सौदा कर रहे हैं और कौन सा सौदा करना चाहिए, यह दो चीजें लिखी हुई है। मगर मगर हम लोग थोड़ा उस सौदागिरी ग्रंथ के पहले थोड़ी सी चीज लेंगे। देखो आप संसार में लोग कैसे रहते हैं, अभी जो गुड़िया ने पद गाया, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, भजन धुन लागी हरि से प्रीत लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी। क्या कहना चाहते हैं इसमें, संसार में लोग कहते हैं कि अरे भाई, हम लोग कहते हैं जब भी चर्चा करते हैं कि यह भक्ति कर यह भक्ति कर, यह भक्ति मोक्ष में पहुंचाएंगी, यह सत्स्वरूप की भक्ति है मोक्ष में पहुंचाएंगी। संसार के लोग मानते नहीं, कहते हैं बिगड़ गया है, यह बिगड़ गया है, यह बिगड़ गया है, यह देवी देवताओं को मानता नहीं, यह तीज त्यौहार करता नहीं तो यह बिगड़ गया है, यह बाहर हो गया है, यह बाहर हो गया है, धर्म के बाहर हो गया, बिगड़ गया है। ऐसे कबीर जी को भी किसी ने बोला होगा, कबीर जी सत्स्वरूपी संत है, सत्स्वरूपी संत है, सत्स्वरूप की भक्ति किया कबीर जी ने, केवली संत होके गए, तो कबीर जी को भी किसने बोला होगा ये चीज। और सभी संतों को ये चीज बोले जाती है, हमने अगाध बोध में भी देखा हुआ है कि जब भी संत धरा पे आते हैं तो उनके शरण में न जाते हुए उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती, टीका टिप्पणी की जाती, उनके शरण में न जाते हुए उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती। और जब संत चले जाते हैं फिर उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं वो संत ऐसे थे, वो संत ऐसे थे, वो संत ऐसे थे, और फिर बाद में तारीफ करने के बाद काम बनता नहीं, काम बनता नहीं। संत चले जाने के बाद वो चीज़ रहती नहीं और काम बनता नहीं। आप जिस काम के लिए, जिस मोक्ष पद के लिए आप चाहना कर रहे हो वो मोक्ष पद मिलता नहीं। ऐसे ही कबीर जी को भी लगा कि मेरी भी टीका टिप्पणी कोई करता ही है, गुरु महाराज को भी लगा था। गुरु महाराज ने भी एक पद ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा कबीर जी ने लिखा हुआ है,
कि लोग संसार के कैसी टीका करते हैं, तो हमने उसको घबराना नहीं। हमको क्या मिल रहा है हमने देखना, हमको क्या मिल रहा है हमने देखना। क्या कहते हैं देखो आप, कबीर जी ने भी ऐसे ही लिखा हुआ है, सतगुरु ना संग में कबीरा बिगड़िया, सतगुरु संग में कबीरा बिगड़िया। क्या कहते हैं, कबीर जी सदगुरु के शरण में गए और कबीर जी खुद को कहते हैं कि संसार के लोग मुझे बिगड़ा हुआ कहते हैं, तो मैं सदगुरु के शरण में बिगड़ गया जाके। कोई बात नहीं, लोग भला ही बोलो, पर मुझे क्या मिला। तो क्या कहते हैं, कबीरा बिगड़िया तो साहेब ने पजिया, कबीरा बिगड़िया तो साहेब ने पजिया, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी। क्या कहते, कहे हो कबीरा भजन धुन, मेरी अखंड ध्वनि चल रही है, अखंड ध्वनि चल रही है, मैं पूरा साहेब में मिल चुका हूँ। मेरे में और साहेब में कुछ भी फर्क है नहीं, साहेब यानी परमात्मा। फिर भी संसार के लोग ये कहते हैं कि मैं सदगुरु के साथ बिगड़ गया, सदगुरु के संग में जाके बिगड़ गया, तो मैं बिगड़ गया। और बिगड़ने का फायदा क्या हुआ, तो मुझे साहेब मिल गया, साहेब निपजिए। साहेब तभी निपजे कि जब यह कबीर सदगुरु के शरण में गए। ख्याल में ये बात, यह इस पद का छोटी सी भाषा में अर्थ है, तो यह पद लिया था इसलिए हमने देखा। देखो हम ये हमारे ओरिजिनल विषय पे आएंगे कि सौदागिरी ग्रंथ, संसार में आने के बाद यह जो मनुष्य देह है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंचे मिले न दूजी बारा। यह जो गर्भ में बच्चा रहता है, और यह गर्भ में बच्चा रहने के बाद जब यह बाहर आता है, जन्म लेता है, तब उसके बाद में यह माया में लग जाता। यह गर्भ में जब आता, देखो आप कैसी बात है, देखो आप जब गर्भ में आया था, सौदा करना, कौन सा सौदा, जब गर्भ में आया था तब यहां पे यह गर्भ में जब आया था तब वह परमात्मा को बार बार ख्याल में रखना चाहिए, परमात्मा को बार बार याद करता था। गर्भ में बहुत दुख भारी है, उल्टा लटकाया जाता है, ख्याल में लाओ चीज, उल्टा लटकाया जाता है। सिर कहाँ रहता, नीचे और पैर ऊपर, सिर नीचे रहता और पैर ऊपर, सभी वहीं से आए हुए, सभी को पता है, बोलो कहाँ रहता है सिर, सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। तो ऐसी जो चीज है, यह चीज में यह मलमूत्र का पानी इसके आँख में नाक में जाते रहता है, और मलमूत्र के पानी जाने की वजह से यह वहाँ पे बहुत दुखी रहता है। बहुत और भी कारण है जिस कारण की वजह से वहाँ दुखी रहता है, और वह हर वक्त परमात्मा की याद करता है और परमात्मा की याद करता है। परमात्मा की याद करने के बाद वो एक ही चीज परमात्मा को बोलता है, ख्याल में रखो चीज, एक ही चीज परमात्मा को बोलता है। क्या बोलता है कि गर्भवास में, सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है अपना, ख्याल में रखो, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। गर्भवास में करे पुकारा सुनो साही सृजनहारा, गर्भवास में कर, आप ख्याल में रखना बराबर, सुनना, आप नए आए हो हाँ, नहीं तो पीछे बैठे हुए तो फिर सुनते नहीं आता बराबर, नहीं तो आगे आ जाओ, आपको कुर्सी की जरूरत नहीं होगी तो आगे आ जाओ आप। गर्भवास में करे पुकारा, क्योंकि आए हो तो अच्छे से सुन लो, समझ में आया। गर्भवास में हमने सबने किया ये पुकार, हमने सबने ये पुकार किया, किसी एक ने नहीं किया, सबने ये चीज की हुई है, ये ख्याल में रखना चीज। ऐसा मत समझो कि मैंने यह नहीं किया, मैं इसमें से छूट गया हूँ। सभी ने यह पुकार किए, सभी ने यह वचन दिया हुआ है, सभी ने वचन दिया किसको, परमात्मा को। जब गर्भ में था वहां पे बहुत दुखी था, वहां पे बहुत दुख लग रहा था, चटके लग रहे थे,
तब परमात्मा वहां पे तो सिर्फ परमात्मा ही याद आता था, तब थोड़ी पता था मेरी मम्मी कौन है, मेरे पप्पा कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बीबी कौन रहने वाली है। तब पता था क्या ऐसा कि मेरी बीबी कौन है, मेरे बच्चे कौन रहने वाले हैं? तब ऐसा किसी को भी पता था नहीं। क्या पता था? कि सिर्फ परमात्मा बस जो शक्ति दे रहा, जो पुरा रहा मुझे, जो हर चीज मुझे अवेलेबल कर रहा है, दे रहा है, ऐसा जो परमात्मा मालिक है बस वही याद रहता है चीज। और उस परमात्मा को सिर्फ भजता हो गर्भ में। आप इमेजिन करो, सोचो, आप भी जब गर्भ में थे तो आप किसको याद कर रहे थे? माँ बाप को याद कर रहे थे कि बीबी को याद कर रहे थे कि बच्चों को याद कर रहे थे? किसको याद कर रहे थे? परमात्मा को याद कर रहे थे। फिर जब परमात्मा को याद कर रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे तो जब जलम लेके आया तो परमात्मा को कितनी बार याद किया उसके बाद में? कितनी बार किया? पहली बार किया क्या? किया क्या? रियल परमात्मा, सच्चा परमात्मा जो है, देखो लोग संसार में भक्ति करते टिका टिप्पणी कुछ नहीं है, कोई विष्णु की भक्ति करता, कोई शंकर की भक्ति करता, कोई काय की भक्ति करता, यह परमात्मा की भक्ति हुई नहीं। आप एक चीज ख्याल में रख लो, बिल्कुल बिल्कुल चीज ख्याल में रख लो ये, और यह चीज समझने के लिए आपको बार बार सत्संगत में आना पड़ेगा, सत्संगत सुनना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, तो यह जो गर्भ में आने के बाद उस परमात्मा को याद कर रहा है, और परमात्मा को उसी गर्भ में, देखो आप सोचो, आप भी कैसे थे? सुनो अभी आप बात कम, इधर देखो अभी आगे, बाद में आधा घंटा देंगे तुमको बात करने के लिए, अभी सुनो मेरी बात। सब लोग हम जब गर्भ में थे, विचार करो, वही परमात्मा याद आ रहा था, वही परमात्मा याद आ रहा था, 24 घंटे परमात्मा याद आ रहा था, दूसरी चीज याद नहीं आ रही थी। एक तो दुख, रात दिन दुख वहां पे लग रहा था गर्भ में सभी को, और दुख में से आदमी परमात्मा को याद करता, सुख में कोई, दुख में परमात्मा सब सिमरता, सुख में सिमरे ना कोय, जो सुख में सिमरे दुख काय को होए, पर दुख में हम परमात्मा सिमरते। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ज्यादा दुख आने दो, सुख की लालसा करो मत, जितना ज्यादा दुख आएगा आप परमात्मा को याद करोगे, और सुख की सुख आपके आजू बाजू भटकते रहा, आजू बाजू अगर आते रहा तो आपको परमात्मा याद आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये बहुत चीज ख्याल में रखो। सभी ने जब गर्भ में थे रात दिन उसको भज रहे थे, रात दिन उसकी याद कर रहे थे, समझ में आई बात? और अब जब बाहर निकल गए गर्भ के, और गर्भ के बाहर निकलने यानी क्या है, कोई एक आधा आदमी जेल में से या फिर कैदी जब बाहर निकलता है तो कैसा खुश हो जाता है, और जेल में कैसा दुखी पाता है, फिर कैदी बाहर निकलने के बाद फिर कौन? मैं, मेरा कौन? कौन जेलर, कौन पुलिस, कौन वो? सेम टू सेम कौन? परमात्मा। हम जब आ जाते हैं धरा पे, जब हम छोटे छोटे के बड़े, बड़े के बड़े, बड़े के बड़े, तो कौन परमात्मा? किसने देखा? यहां से चालू होती बात। तो यह गुरु महाराज कहते हैं कि तूने यहां पे ये वचन दिया था, किसको? परमात्मा को। परमात्मा को वचन देते हो और आप पालते नहीं। यह वचन गुरु महाराज याद करा दे रहे कि कौन सा वचन दिया था, देखो आप। गर्भवास में करे पुकारा, गर्भ में था मैं तब मैं पुकार कर रहा था परमात्मा को, रात दिन पुकार कर रहा था। यह आप जो भक्तियां करते हो, आप जो वाणी जी पढ़ते हो, रामायण महाभारत पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, उसमें यह चीज है जहां वहां लिखी हुई, पक्त आपको समझाया नहीं जाता या फिर आपके समझ में नहीं आती यह चीज। गर्भवास में करे पुकारा, परमात्मा से पुकार करते हैं कौन? यह जू और सभी हम लोग। गर्भवास में करे पुकारा, सुनहो साही सिरजनहारा, किसको? सुनहो साही, साई यानी साई बाबा नहीं, साई यानी परमात्मा, सबका मालिक, सबका मालिक सर परमात्मा। सुनहो साही सिरजनहारा, मुझे बनाने वाले, हे मुझे सृजन, मेरा सृजन करने वाले, मुझे बनाने वाला ऐसा जो परमात्मा है, सुनो हो साई सृजन हारा, मुझे जो बनाने वाला है उस परमात्मा को मैं वचन देता हूं। क्या देता हूं? वचन देता हूं। कौन सा वचन देता हूं? देखो आप, सुनो हो साई सृजन हारा, दूजा दुख मोहे भुगताओ, अभी जो मैं दुख भोग रहा हूं उसमें से मुझे निकालो, और दूजे दुख भुगवाओ, दूजे दुख
दूजे मतलब छोटे मोटे जो मैं सहन कर सकता हूं, इसमें से बाहर निकालो, यह मेरे से सहन नहीं होता। दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास के बाहर लाओ, गर्भवास से बाहर लाओ, इस गर्भवास के बाहर लाओ। जब हम दुख में थे तब हम उस परमात्मा को याद कर रहे थे और परमात्मा को विनती कर रहे थे कि हे परमात्मा, हे मुझे बनाने वाले, तू मुझे इस दुख से बाहर निकाल, गर्भवास से बाहर निकाल। और वचन दे रहे थे, कौन सा वचन दिया? अब के बाहर करू बसेरा, अब के बाहर करू बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा। क्या बोले, क्या बोले? निस दिन जाप, क्या बोले? निस यानी दररोज, दिन यानी दिन, निस दिन जाप, जाप यानी नाम स्मरण, याद करना, भजना, रात दिन भजना, जाप। निस दिन जाप करू हरि तेरा, हरि वो परमात्मा, हरि विष्णु कृष्ण नहीं, वो परमात्मा। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सृजनहारा, हे परमात्मा मुझे बनाने वाले सुनो। अरे दूजा दुख मोहे भुगताओ, इससे बाहर निकालो, ये बहुत खतरनाक दुख है। हमने गर्भ के दुख देखे हुए, कभी तो भी सत्संगत में हमने लेक्चर में वो गर्भ के दुख देखे हुए। दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। और फिर मैं करूंगा क्या बाहर आते? मैं माँ बाप के साथ रहूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा, मैं बीबी वगैरह सबके साथ ये करूंगा, या फिर मैं खूब पैसे कमाऊंगा, या फिर मैं बंगला बांधूंगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ इसमें? क्या लिखा हुआ इसमें, क्या लिखा हुआ इसमें? अब के बाहर करू बसेरा, अगर मैं बाहर आ गया मतलब बसेरा किया, अब बाहर अगर आया, आपने लाया मुझे बाहर, निस दिन जाप करू हरि तेरा। क्या किया? निस दिन जाप करू हरि तेरा। बोलो कितने लोग करते हैं जाप निस दिन, बताओ? परमात्मा का, बाकी आन भक्तियां करते हो बात अलग है, परमात्मा की भक्ति कौन कौन करता है बोलो आप? नहीं करते, बराबर। वचन तो देखिए, आगे वचन तो देखिए। हम हमारे एखादी ब्याई जी रहे, साई जी रहे, उनको वचन देते, नहीं नहीं मैं शादी में जरूर आऊंगी, शादी में जरूर आऊंगी, और नहीं गए शादी में तो फिर अरे यार ब्याई जी को तो वचन दे दिया, शादी में नहीं आए हम, दुख होता, रात भर नींद नहीं आती, अरे भाई जी क्या सोचेंगे, उनको तो वचन दे दिया फिर भी हम गए नहीं, बराबर। साई जी को वचन दे दिया नहीं गए, और यहाँ परमात्मा को वचन दिया, हमको कुछ पड़ी है नहीं, कुछ पड़ी है नहीं। तो यह जो निस दिन जाप जपू हरि तेरा वाला जो जी बात है, निस दिन जाप, यह सौदा हमने करना चाहिए था, इस सौदे के लिए ही हम बाहर आए। सौदा यानी बिजनेस, बिजनेस यानी काम, काम यानी मिलाना, अर्निंग मिलाना, यह हमने करना चाहिए था, सौदा करना चाहिए था, बिजनेस करना चाहिए था, मगर हमने यह बिजनेस नहीं किया। हमने कौन सा बिजनेस किया? प्रीति की, किससे प्रीति की? माँ से, पिताजी से, बीबी से, ससुराल से, बच्चों से, बच्चों के बच्चों से, प्रॉपर्टी कमाई, प्लॉट्स बनाए, घर बनाए, समाज में रहे, समाज में प्रतिष्ठा कमाई, और हम ऐसे चलते बिल्कुल एकदम, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं और सिर्फ मैं ही मैं हूँ। यह हमने सौदा किया। हमने उस परमात्मा को एक सेकंड भी बजा नहीं जो सबका मालिक है, और एक वक्त आया उड़ के चले गया, यहां से शरीर छूटा, सब यहीं के यहीं रह गए, हमारा सौदा गलत हो गया, हमारे साथ कोई भी साथ में आया नहीं। तो यह गुरु महाराज क्या कहते देखो, आया है किस काम को, एक संत की साखी है, आया है किस काम को, किया कौन सा काम, आया है किस काम को, किया कौन सा काम, इसमें देखो रे, देखो मैं,
भूल गए भगवान को कमा रहे धन धाम, भूल गए भगवान को कमा रहे धन धाम। कब देखो रे, देखो मत साधु के पहले का एकदम बेटा, कमा रहे धन धाम रोज उठ कर तलबाड़ी, कमा रहे धन धाम। हम क्या कर रहे हैं? आया है किस काम को? कौन से काम के लिए आया था? गर्भ से उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा को भजने के लिए आया था, भजने के लिए आया था। और किया क्या? किया कौन सा काम? कौन सा काम किया? माया का पसारा जमाया और कुछ नहीं किया। माया का पसारा जमाया और कुछ किया नहीं। किया कौन सा काम? भूल गए भगवान को, भूल गए भगवान को कमा रहे, वो भगवान को भूल गए और कमा रहे धन धाम, कमा रहे धन धाम। उसके आगे बढ़ा और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, वो तो बहुत पीछे आगे यानी पुराना पहला हाँ पहली साखी है। देखो रे, देखो साधु में जान दे होगा तो। कमा रहे धन धाम, हम धन कमा रहे धन धाम रोज उठत करत लबाड़ी, लबाड़ी कर के धन कमाते हम, लबाड़ी कर के झूठ बोल के धन कमाते। झूठ कपट कर जोड़ बने तुम मायाधारी, झूठ कपट बोल के मायाधारी बने, मायाधारी कौन बने? मायाधारी। मेरा सब देख लो, जिधर उधर मेरा सब फैला हुआ है साम्राज्य। केत दास कबीर साहेब की सूरत बिसारी, कबीर जी कहते हैं साहेब की याद भूल गया, साहेब की याद भूल गया, सूरत भूल गया, काय में लगा? धन धाम कमाने में लगा। मालिक के दरबार मिले तुमको दुख भारी, अगर ऐसा करेगा तो मालिक के दरबार में तुझे बहुत दुख भारी मिलेंगे। किधर जाना था और किधर चले गया? देखो पद पे आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं देखो अभी संत। करना था परमात्मा की प्राप्ति मगर हमने नहीं की, परमात्मा को भजना था हमने नहीं भजा, हमने किसको भजा? हमने माया को भजा, हमने माया को भजा, हमने कर्म जमा किए पाप और पुण्य दोनों भी, और रास्ता काय का बनाया? नरक का रास्ता बनाया। काय का रास्ता बनाया? 84 लाख योनियों का रास्ता बनाया। काय का रिजर्वेशन किया? गर्भ का रिजर्वेशन किया, वापस गर्भ में आने का। काय का रिजर्वेशन किया? जन्म मरने का रिजर्वेशन किया। काय का रिजर्वेशन किया? जन्म मरने का रिजर्वेशन किया हमने, ठीक है। अगर परमात्मा को भजते थे तो उस परम मोक्ष में जाते थे, परम मोक्ष में जाते थे। सुख ही सुख और सुख ही सुख और दूसरा कुछ भी नहीं। यह नहीं किया हमने, यह किया। देखो गुरु महाराज क्या कहते, हरि समा प्यारा प्यारा को नहीं एली, हरि समा प्यारा प्यारा को नहीं एली, समझ सांबड़ो राम। ख्याल में लाओ चीज, हरि यानी परमात्मा, यह परमात्मा के जैसा प्यारा प्यारा संसार में कोई है ही नहीं। कौन कौन है देखो संसार में, कौन कौन है संसार में देखो आप। हमारे लिए कौन कौन है संसार में? माँ बाप वगैरह वगैरह, मतलब कुटुंब कबीला, कुटुंब कबीला, फिर प्रॉपर्टी विपर्टी जिसमें हमारा मन अटका हुआ रहता, फिर देवी देवता, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ज्यादा में ज्यादा परमात्मा तक, उसके आगे परमात्मा, उसके आगे परमात्मा। अभी क्या कहते सबसे प्यारा कौन? तो गुरु महाराज कहे हरि यानी परमात्मा, जो इन सबका दुख में मिटाता, इन सबका दुख जो मिटाने वाला हरि जो है, हरि यानी दुख मिटाने वाला, हरने वाला, ऐसा जो परमात्मा जो है, यह परमात्मा सबका मालिक जो है, सबको विज्ञान देता, सबको ज्ञान देता। उसने अगर सोचा कि इसकी रस्सी कट कट कर डालनी चाहिए तो एक मिनट में कट हो जाती, बराबर। ऐसा जो परमात्मा है, यह परमात्मा गुरु महाराज कहते कि इसकी भक्ति करो, इसकी भक्ति करो, इसमें जाके मिलो। क्या कहते? यह हरि के जैसा प्यारा प्यारा संसार में कोई है
नहीं, प्यारा याने, प्यारा याने तुम्हारी मदद करने वाला, तुमको सहायता करने वाला। यह सब बाकी के सहायता करते मगर अधूरी सहायता करते, छोड़ देते बीच में आपको, तुम्हारे हवाले कर देते। सहायता जरूर करते मगर अधूरी सहायता करते। माँ बाप, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की सेवा नहीं करना। मैं वापस आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि माँ बाप की बहुत सेवा करना, बीबी बच्चों की सब काळजी लेना, संसार में अच्छे से रहना, संसार में पैसे लत्ते भी कमाना, पैसे लत्ते कमा के संसार में आध्यात्मिक में डालना, ये सब चीज़ें करना। ये करना मनाही है ही नहीं, मगर सिर्फ यही नहीं करना, 2 घंटे आप उस परमात्मा की भक्ति करना, ये आप ख्याल में रखो चीज। क्या कहते तो हरि सम प्यारा प्यारा, ये हरि जो है यही प्यारा है, जो यहां से लेके तो यानी इतने से थे आप, पहले इतने बड़े भी नहीं थे। जब आपकी प्रोसेस चालू हुई बच्चा बनने की तो छोटा सा रहता, छोटे से बड़ा 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 होता, ख्याल में लाओ चीज। यानी इतने से लेके आपको वह मदद ही कर रहा। और जब आप बड़े होके फिर बच्चे होके जवान होके बूढ़े होने के बाद मरने के बाद भी वो आपको मदद ही करके ससुरूप में लेके जा रहा है, ख्याल में लाओ चीज। बाकी के लोग क्या, माँ बाप शरीर छूट गया छोड़ देंगे आपको, बीबी शरीर छूट गया जा अभी तो तेरा भोग, मेरा यही तक काम है, ख्याल में लाओ चीज। मतलब यह आपके कितने साथी है, क्षणिक साथी है। विष्णु ब्रह्मा, विष्णु की भक्ति करोगे आपको वैकुंठ में लेके जाएगा, 100% वैकुंठ में लेके जाएगा। वो वहां पे पुण्य भोगवाएगा, बहुत सुख देगा, मगर पाप भोगने के लिए वापस नरक में भेजेगा आप। मतलब पूरा साथी है नहीं, आप ख्याल में रखो, पूरा साथी नहीं है वो आपके। आपको वहां पे विष्णु के देश में ले जाएगा, वहां पे वैकुंठ के पुण्य भोगवाएगा, आपके पुण्य भोगने बंद खत्म हो गए, आपके पुण्य खत्म हो गए, आपको वापस नरक में पाप भोगने के लिए डालेगा। वो डालेगा नहीं, यमराज उठा के लेके आएगा आपको पाप भोगने के लिए। मतलब एक चीज आप दिमाग में रख लो, एक चीज क्या चीज दिमाग में रख लो कि यह जो साथी है, यह साथी आपके अधूरे है, पूरे नहीं है, आपको पूरे मदद करने वाले नहीं है, क्षणिक मदद करने वाले हैं। तो यह साथी के साथ मत रहो, इसके आगे जो परमात्मा है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, जिसके ऊपर आपकी श्वास चल रही है, जिसकी वजह से, वह परमात्मा को भजो। हरि सम प्यारा, ऐसा प्यारा परमात्मा संसार में, परमात्मा के सिवा संसार में कोई भी प्यारा नहीं है। समझ में आई क्या बात, परमात्मा के सिवा संसार में कोई भी प्यारा नहीं है, मगर हमको प्यारा कौन लगता, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी बहू, फिर उससे भी ज्यादा बच्चे का बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है ना दादाजी, बच्चा का बच्चा ज्यादा प्यारा लगता। देखो आप क्या कहते, हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं एली, समझ सांबड़ो राम। यह समझो आप, यह समझो कि हरि के अलावा दूसरा कोई प्यारा संसार में है नहीं, हरि ही सिर्फ प्यारा है। हरि यानी उस परमात्मा साहेब सबका मालिक, यही सिर्फ प्यारा है। और समझ सांबड़ो राम, आप यह बात समझो और उस राम को सांबड़ो, मतलब राम के शरण में जाओ, राम जी महाराज जो परमात्मा है उसके शरण में जाओ। सांबड़ो राम, उस परमात्मा को आप धारण करो, सांबड़ो उसको, ले परमात्मा को धारण करो। समझ सांबड़ो राम और राम राम करो, राम स्मरण करके राम जी महाराज मिलते हैं। श्री राम वाला राम नहीं है, फिर से आपको बताता हूँ, ये श्री राम वाला राम नहीं है। श्री राम वाले ने जिसको गाया, जिसने परब्रह्म ने जिसको गाया, ऐसा जो राम है यह सत्य स्वरूपी राम है, ये श्री राम वाला राम है नहीं, उसके आगे की बात है। देखो आप, जीव तड़ा रक्षा करेली, यह राम कैसा है, यह परमात्मा कैसा है, जीव तड़ा रक्षा करेली, मुआ ले जावे धाम। जीव तड़ा, जब तक तुम गर्भ में थे
तुम्हारी रक्षा उसने की, छोटे से लेके तो बड़ा किया, छोटे से लेके तो आपको बड़ा किया। फिर जब आप गर्भ से बाहर आए, छोटा बच्चा, देखो आप सोचो, सोचने जैसी बात है, छोटा बच्चा जब बाहर आया गर्भ से, तो उसको दूध पिलाना किसने सिखाया? वहां कोई साइंटिस्ट गया था, कोई टीचर गया था, भैया ऐसा दूध पीना पड़ता है, किसने सिखाया? सोचने जैसी बात है, सोचने जैसी बात है, परमात्मा ने सिखाया उसको दूध पिलाना, परमात्मा उसको हंसना किसने सिखाया, उसको रोना किसने सिखाया? यह सब परमात्मा की कला है जो उसके शरीर में आती है, परमात्मा परमात्मा का विज्ञान है जो उसके शरीर में आता है। तो क्या कहते, जीव तड़ा रक्षा करिए ली, जब तक जिंदे हो तब तक तो रक्षा करता ही है परमात्मा, ख्याल मिलाओ चीज, जब तक जिंदे हो तब तक तो रक्षा करता ही है। मुआ ले जावे धाम, और मरने के बाद कहां लेके जाता? धाम। कौन सा धाम? वो सत धाम, वो अमर धाम, अमर धाम, वो आनंद पद, वो सत्स्वरूप, वो परमात्मा का देश, जहां पे जन्म मरना नहीं है, जहां पे 84 लाख योनि नहीं लगती, जहां पे कर्मों का चक्कर नहीं है, जहां पे दुख मांगने से नहीं मिलता और सुख आके पड़ता, जहां पे 84 लाख योनियां नहीं है, जहां पे यमराज आता नहीं है, जहां पे नरक नहीं है, जहां पे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है और सुख ही सुख है, ऐसा जो देश है, ऐसा जो सत्स्वरूप का देश है, गुरु महाराज कहते हैं, मुआ ले जावे धाम। मुआ यानी मरने के बाद, मंजे जीते जी तो आपकी मदद करता ही है और मरने के बाद आपको साथ में लेके जाता है, छोड़ता नहीं। आप विष्णु की भक्ति करोगे, आप शंकर की भक्ति करोगे, ये भी आपकी मदद करती है थोड़ी बहुत, मगर जब शरीर छूट जाएगा, आपको विष्णु के देश में विष्णु लेके जाएगा, शंकर के देश में शंकर लेके जाएगा, वहां पे जितने इनके पुण्य किए वो पुण्य आपको भोगवाएंगे, वहां पे सुख दिलवाएंगे, और पुण्य खत्म होने के बाद वापस नरक में डालेंगे ही, वापस 84 लाख योनियों में डालेंगे ही, क्योंकि पाप कहां भोगोगे, पाप तो किए हुए है, पाप करने के लिए नरक में आना ही पड़ेगा, पाप भोगने के लिए 84 में आना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते कि हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं, हरि के जैसा प्यारा प्यारा भला आदमी, मदद करने वाला, आपका क्या कहते हैं उसको, दुख सुख में सहभागी होने वाला, आपको सुख के इधर ले जाने वाला जो सही चीज है वो है परमात्मा है। क्या कहते हैं आगे देखो आप, कितनी बढ़िया चीज है, सुख में तो हिला मिला रायेली। देख लेना आप घर में, आप रात को जाके सोचना कि संत ने जो पद लिखा हुआ है सही था क्या, आप जिसके साथ लगे हुए हो अभी, देखो आप, यह परमात्मा जिसके साथ आप बिल्कुल ही लगे हुए नहीं हो, बिल्कुल ही लगे हुए नहीं हो, और आप जिसके साथ लगे हुए हो, कूल प्रपंच, यह देखो आप क्या क्या बोले जाता है अभी, देखो आप, अहम हूं भाव अभिमान, देखो आप क्या कहते, सुख में तो हिला मिला रायेली, दुख में पूछे नहीं बात, बराबर है, सुख में तो सब, अरे तुम्हारे पास पैसे रहने दो, तुम्हारे पास घोड़े रहने दो, बस तुम्हारे पास गाड़ा रहने दो, लोग आके पड़ते, जहां पे गुड़ है वहां पे चीटी आती, गुड़ नहीं रहा तो चीटी बाजू में निकल जाए, तो आपके पास सब माल है, सब बातें है, तो आप उसकी सहायता छोटी मोटी कर सकते हो, तो आपके पीछे लोग लाइन लगा के घूमते, और जिस दिन आप खाली हो गए, लोग आपको पूछते भी नहीं, ये तो बड़ी बात हो गई, घर की बात ले लो आप, घर की बात ले लो, वस्तु स्थिति इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देखो आप, माता पिता हम लोग दिन भर बच्चों की परवरिश करते रहते हैं, दुख सुख में माथा दुखता रहा तो भी काम करेंगे, भूख लगी रही तो भी खुद कम खाएंगे, बच्चों को देंगे, बात बराबर है, और
इतना उनको जपते और वह भी तुम्हारी हर बात सुनते। एक ग्लास पानी लाओ, अगर आप बोलते तो दो दो तीन तीन ग्लास पानी आता आपके पास पी। एक बार बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए, पैसे हो गए, बीबी आ गई, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर आपको एक खटिया दे देते, बैठे रहे वहां पे, बराबर गलत है कुछ, बैठे रहे वहां पे बस, और पानी ला कोई सुनता नहीं, दूसरा आवाज दो पानी ला कोई सुनता नहीं, फिर तीसरा आवाज देने के बाद पानी आता, और पानी आने के बाद बोल के भी जाता कि भाई आधे घंटे बाद पानी पीते तो क्या होता था, हम तो काम ही तो कर ही रहे थे, बैठे तो थे नहीं, समझ में आई बात। मतलब देखो, यही बच्चा जब हम जवान थे कमाई करते थे तो हमारे पीछे 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 लगा रहता था, अब यही बच्चा खुद कमाने लग गया, तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे से अंतर रखने लग गया, एक घर में तुम रहते हो दूसरे घर में वो रहने लग गया, और तुम जिस डायरेक्शन से जाते हो वो डायरेक्शन दिखता भी नहीं, इधर मुंह करके जाता है, देखो वस्तु स्थिति है कि नहीं है, है कि नहीं वस्तु स्थिति, देखो अवॉइड करता आपको, अवॉइड करता आपको, ये चीज है, क्यों कि गरज सरोन वैद्य मरो, गरज सरोन वैद्य मरो, गरज सर जी काम खत्म हो गया, मगर हरि ऐसा करता क्या नहीं, हरि दुख में भी आपके साथ, सुख में भी आपके साथ, और आपको इस दुख से निकाल के उस अमर देश में लेके जाता, उस सुख के देश में लेके जाता, तो इसलिए कहते सुख, मगर हम यह चीज समझते हुए भी उसी में लगे रहते, कौन हरी, यही अच्छा अपना दुख दे दे व्याकुल व्याकुल भोगेला बोले, अरे तू राम राम कर राजा, राम राम नहीं करो, व्याकुल व्याकुल भोगेला बोले, मने दुख दे तो दे, मैं मारो कर लिया जाके साथ, अरे तू राम राम कर, राम राम कोई नहीं कर, चीज देखो आप क्या कहते, दुख में पूछे नहीं बात है कि नहीं, सबको प्लस माइनस सबको थोड़ा सा अनुभव है कि नहीं है, किसको इसको अनुभव है, हाथ ऊपर करो है ना, सभी को ये क्यों शर्माना, सभी ने हाथ ऊपर करना, सभी कोई कम ज्यादा प्रमाण में अनुभव है, ये है ही होता ही, सबका ही अनुभव है वो, अरे संतों ने लिखा है ना, संतों ने लिखा है तो संत अंदर की बात, मर्म की बात जो तुम नहीं बोल सकते वो संत शब्दों से बोल के बता देते कि ऐसा है तुम्हारे यहाँ, तुम टैली करके देख लो ऐसा है कि नहीं है, देख लो। सुकरात सोही सगाएली अंत चले नहीं साथ, चलता क्या कोई साथ में, कौन चलता कोई साथ में, कोई साथ में नहीं चलता, अंत चले नहीं साथ, सुखरे सुखे सौ लोग, और शरीर छूट गया, शरीर छूट गया जला दो, आते हजार लोग आते, दस हजार लोग आते, कब कहां तक, वैकुंठ धाम तक, मरगट तक, बस एक बार जला दिया खत्म काम, खत्म काम, बराबर ये बात है। अंत चले नहीं साथ, देखो अरे आपको मनुष्य देह मिला, विचार करने जैसी बात है, आपको मनुष्य देह मिला, यह मनुष्य देह सिर्फ इतने से के लिए मिला हुआ है क्या, बस इतना सा काम करो, मेरे बच्चे को बड़ा करो, मेरे बीबी को संभालो, मेरे माँ बाप को संभालो, माल बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, छोड़ के चले जाओ, पर इतने से के लिए मिला है क्या मनुष्य देह, इतना ही है क्या काम इसमें, फिर परमात्मा क्यों कहते हैं, संत क्यों कहते हैं कि भाग मान सुतन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, इसके लिए थोड़ी दिया हुआ है कि इतना सा काम करो, फिर आपने आत्मा का उद्धार कब किया, यह जो आत्मा है जो बार बार जन्मती मरती, इसका उद्धार कब किया, इसके उद्धार के लिए कब टाइम दिया, कब वक्त दिया, दिया ही नहीं, मर गए, और जिसके साथ रात दिन प्रीति किए वो तो साथ छोड़ के चले गए, सौदा घाटे का हुआ, सौदा कैसा हुआ, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा सौदा नहीं करना, ये सौदा रिव्य अंत गुरु महाराज लिखते हैं, आप ऐसा सौदा कर रहे हो उसके लिए मैंने पद लिया, देखो आप क्या कहते हैं आगे, नहीं कुटुंब संग आवियोली, नहीं कुटुंब संग जाए, देखा था कभी कि भाई एक की जा रही डोली तो सबके सब कुटुंब जा रहे हैं उसके साथ ऊपर तक, देखा क्या कभी, नहीं देखा ना, सुना क्या,
सुना भी नहीं ना, क्या कहते देखो, नहीं कुटुंब संग वियोली, नहीं कुटुंब संग जाय। और हम कुटुंब में कैसे रहते रात दिन, कि बस छूट गया तो कैसा होगा मेरा, छूट गया तो कैसा होगा मेरा, मेरा होगा कैसा कैसा। अटली मिलिया ते बिछड़ाली, यही मिले। अब देखो आप जब पैदा हुआ, जब छोटा हुआ, छोटा था बच्चा एकदम इतना था, तो माँ बाप तो तभी मिले। इसके पहले तो मैं गर्भ में था तब भी माँ बाप को नहीं पहचानता था, यहाँ पे माँ बाप मिले, अठे ही मिले। फिर बड़ा हुआ, बीबी मिली, यही मिली, सास ससुर मिले, यही मिले। फिर और बड़ा हुआ, बच्चे हुए, बच्चे का पिताजी बना मैं, यही बना। और खूब प्यार किया इनसे, खूब प्यार किया इनसे, खूब प्यार किया इनसे, क्या कहते देखो आप, जाने झूरे रे बलाय। इतना झूरता इनके लिए, इतना झूरता इनके लिए, अगर बच्चा इधर उधर चल गया दो घंटे, अगर लेट आ गया तो मुझे पसीना पसीना आ जाता। अगर लड़का चार घंटे लेट आ गया या फिर उसका फोन नहीं लगा तो मेरी जान चले जाती है, समझ में आई बात। बुखार आ गया 104 तो ऐसा लगता कि मुझे 104 बुखार आ गया, समझ में आई बात। यह चीज है, क्या कहते गुरु महाराज देखो। और ये साथ में चलता है, मगर वस्तु स्थिति क्या है कि ये साथ में नहीं चलते भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी इनकी मदद नहीं करना चाहिए, ये नहीं है। इनकी मदद करते रहो, मतलब इनका काम करते रहो, मगर जो हरि समो प्यारा प्यारा जो परमात्मा है उसको स्मरण करो, उसको भजो, बस यही कहना है। दरोज दो घंटा भजो, 72 मिनट भजो, जितना भजना है उतना भजो, दरोज भजो, बस यही कहना है। यह कहना है ही नहीं कि इनकी मदद मत करो या तुम झूठा काम कर रहे हो, तुम सिर्फ इसी में रह रहे हो जो तुम्हारे साथी है नहीं, यह तुम गलत कर रहे हो। क्या कहते, अटे ही मिलिया ते बिछड़ाली, जाने झूरे रे बलाय। यही मिले और यही बिछड़ गए, और इनके लिए आप झूरते हो न, क्या कहते, मलमल का शापे रताएली, तिल फूले लगाए। मलमल काशा क्या अर्थ होता है इसका, मलमल का, मलमल के कपड़े पहनता मस्त, जब चलता तब हाथ डाल के बिल्कुल ऐसा मस्त, यहाँ पे चेन बीन वो जो पूरा झब्बा मस्त मलमल का रहता है एकदम। पहले पहनते थे, आजकल तो पैंट शर्ट का जमाना आ गया, पहले ये खास रहता था कि मलमल के, अभी भी पहनते है। मलमल का शापे रताएली, तेल फूले लगाए, सेंट लगाते, सेंट सुगंध आने के लिए, मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि मैं कैसा हूं। मजला मजला चालताएली, ऐसा चलता बिल्कुल मजला मजला, कैसा, भारी भर के, भारी भर के चलता है। खानदेशी लोग बराबर बोलते हैं, भारी भर के, भारी भर के चलता, भारी भर के। मजला मजला चालताएली, मुआ काग नहीं खाए। आपको वस्तु स्थिति बता दी है। अरे मरने के बाद तुझे कौवा भी नहीं खाता, कौवा, कौवा जो विष्टा पे बैठता, सुना है कि जो विष्टा पे बैठता वो कौवा भी नहीं खाता मरने के बाद, ये हालत हो जाती। मुआ काग नहीं खाए, किस पे आम कर रहा है, किस पे मैं कर रहा है, किस पे अभिमान कर रहा है। गुरु महाराज कहते, हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं एली। वो परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वो तो करता नहीं और खुद का अहम बताता। मरने के बाद क्या होगा, कौवा भी नहीं खाएगा। देखा ना आप, देखो आप सोचो, मैं सोचते रहता है चीज कि देखो हमको कभी लगता है कि शरीर, हम जिसके साथ गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं और उनकी चाल ढाल सब हम देखते रहते हैं दरो, एक दिन शरीर छूट जाता,
एक दिन शरीर छूटने के बाद उसमें वो पेटी में रख दिया जाता है, एक दिन कोई आने के रहते रिलेटिव्स गेस्ट वगैरह तो एसी जैसी ठंडी वाली पेटी में रख दिया जाता, तब तुम उसका चेहरा देखो कैसा काला काला दिखता, पहचान में नहीं आता, फुगा हुआ दिखता, कि आप उसको पहचान नहीं सकते, ऐसा चेहरा हो जाता जो कि दो दिन तीन दिन चार दिन पहले बिल्कुल रुबाब में चलता है, वस्तु स्थिति है। मगर हम ये चीज भूल जाते कि हमको लगता है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, बाकी सब ऐसी बात हो जाती। देखो क्या कहते हैं आगे, हितकर मन ने पूछ ले ली दिलापने में जो, क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं देखो आप अपने मन को पूछो, ऐसे संत बोल रहे हैं कि प्रेम से आप अपने मन को पूछो, हितकर मन से पूछ ले दिलापने में जो, आपके दिल से पूछो, क्या पूछो देखो आप, पहले प्यारा प्यारा लागता एली वे ही बैरी हो जाए, बराबर है, पहले प्यारा प्यारा लागता एली वे ही बैरी हो जाए, पहले प्यारे प्यारे लगते थे, देखो अभी आप हमारे बच्चे जो बहुत घर में होता है, यूं समझो आप 50-60% घर में ये चीजें बनती है, कोई दिखाता है कोई दिखाता नहीं है, बनती तो है कि पहले ये पिताजी को बच्चे प्यारे प्यारे लगते थे, माँ प्यारी प्यारी लगती थी, जब ये बच्चे के बच्चे हो गए, बच्चे की बीबी आ गई, तो ये फिर अभी खारे खारे लगने लग गए, यह लगने लग गए कि भाई कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, यह बात बनती। तो और बाकी सब अब हम और हमारी बीबी यही लेके चलो, अगर बीबी की सब बात सुने तो तुम जीत गए, अगर बीबी की बात नहीं सुने तो तुम्हारा बंडा ठार हो गया। यह चीज सही चीज है, देखो अभी आप सही चीज है कि नहीं, बराबर। तो यानी थोड़ी सी भी कहीं अनबन हो गई कि सब रिफ्लेक्स से चेंज हो जाते, सब बातें बदल जाती, माहौल बदल जाता। तो ये चीज है, वे ही बैरी हो जाए। अब दिन भर हम इससे प्यार करते जो हमारे छोटी छोटी बातों पे बैरी हो जाते, जिनसे हम प्यार करते, क्या कहते गुरु महाराज, देखो आप, गुरु सुख देव समझावी चरण दास चितराग, मनुष्य जन मधुर्लभ गणोली वेद भरे जाकी साथ। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, कैसा है दुर्लभ है, अरे तो ये तो वेद गाता है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये संत है एक सुखरी सुखदेव नाव के, जो चरण दास को कह रहे हैं कि यह जो वेद है, यह वेद यह कहते हैं कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, इसको इनमें मत लगाओ जो माया का पसारा है, यह मनुष्य देह को किसमें लगाओ, हरि सम प्यारा प्यारा जो हरि है इसमें लगाओ, यह सौदा करो, क्या करो, यह सौदा करो। देखो अभी आप हमारा सौदागिरी ग्रंथ चालू करेंगे, क्या कहते हैं देखो, कल्या जीव सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। देखो आप अभी संसार में सभी जल में गर्भ से आए, जल में जन्म के छोटे हुए, बड़े हुए और बड़े हुए और आखिर में मर गए, मतलब शरीर छोड़ के चले गए। हर आदमी ने कुछ ना कुछ सौदा किया, यानी काम किया, यानी धंधा किया, यानी बिजनेस किया, हर आदमी ने कुछ ना कुछ सौदा किया, काम किया, बिजनेस किया। गुरु महाराज कहते हैं कौन सा सौदा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या कहते देखो, कई एक कर
सौदागिरी चले आज वो सौदे। अरे एक चीज ख्याल में रखो आप, यह जो हंस है, यह हंस संसार में कितने हंस है ऐसे, यानी छोड़ो वो बात, यह पृथ्वी पे लोक संख्या कितनी है, लोक संख्या कितनी है, अरबों में है, अरब में है, करोड़ों में है, कितनी है, करोड़ों में है, करोड़ों में लोक संख्या है। मतलब आप ख्याल में लाओ चीज, सभी ऐसे ही पैदा हुए, सभी ऐसे ही पैदा हुए, और कोई अमेरिका में पैदा हुआ, कोई लंदन में पैदा हुआ, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, कोई भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा। सौदागिरी चला जीव सौदे भरत खंड में आया। भारत में जो पैदा होता वो भाग्यवान माने जाता, ऐसे ग्रंथ कहते हैं, भाग्यवान माने जाता। क्यों भाग्यवान माने जाता, कि कहते हैं यह योग भूमि है, और यह अमेरिका लंदन यह भोग भूमि है, वहां पे भोगों के साथ लोग खेलते हैं, लोग रहते हैं, यहाँ पे योग के साथ लोग रहते हैं, यानी आध्यात्मिक के साथ लोग रहते हैं, कहते हैं ऐसा। भारत में सबसे ज्यादा साधु संत हुए और साधु संत हो रहे हैं, होते रहते हैं, ऐसा कहते कि सबसे ज्यादा साधु संत भारत, साधुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, इसलिए भरत खंड में आना, इसके लिए भाग्य चाहिए, भरत खंड में आना, यही भरत खंड में आना, यही भाग्य बड़े, यही भाग्य चाहिए, यही बहुत बड़े भाग्य है, यही बहुत बड़े भाग्य है, ये आप ख्याल में लाओ चीज, भरत खंड में आना। हम भरत खंड में आए हैं, हम मनुष्य देह में आए और भरत खंड में आए, दो चीज हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य देह में आए और भरत खंड में आए, इतना भारी हमारे पास पूंजी है, श्वास लेके आए, श्वास 77 कोटी 76 लाख श्वास लेके आए, कितने श्वास है शरीर में, कितने श्वास आदमी के रहते 100 साल की उम्र के लिए, 100 साल की उम्र ऑन एवरेज लोग जीते, कोई 80 में जाता, कोई 70 में जाता, कलयुग की उम्र 100 साल लिखी हुई है, 100 साल लिखी हुई है कलयुग की उम्र, 100 साल में आदमी 77 कोटी 76 लाख श्वास लेके आया है। इस श्वास से आपको सौदा करना है, आपके पास पूंजी कितनी है, यह पूंजी है आपके पास, यह पूंजी में आप राम स्मरण करो, और यह राम स्मरण आपको सुखदायक, आपको आगे सुख देगा। आपने राम राम अगर नहीं किया, बाकी के काम में लगा दिए, तो आपका हर श्वास वेस्ट गया, वाया गया, धिक्कार, व्यर्थ गया, आप पूंजी गमा दिए। जैसे आपने कोई पैसा, आपके पास अगर 50 रुपए है, 50 रुपए में से आपने 20 रुपए धंधे में लगा दिए और 30 रुपए जुआ में लगा दिए, तो 30 रुपए जुआ में लगा दिए वो तो हार गए, मतलब जुआ में लगा दिए वो गए, शौक पाने में लगा दिए, खाने पीने में लगा दिए, पान खाने में लगा दिए, चले गए। 20 रुपए जो आपने धंधे में लगाए उसकी कमाई होगी, उसकी कमाई होगी बराबर। तो हमारे पास 77 कोटी 76 लाख श्वास है, भरत खंड में मनुष्य देह में हम आए हैं, यह हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है, आप ख्याल में लाओ चीज। सौदागिरी ग्रंथों को आपको समझना पड़ेगा, कहने के लिए बहुत सोपा ग्रंथ है, मगर है उसमें बहुत अंदर की बातें। यह मनुष्य देह ने 77 कोटी 76 लाख श्वास लाए, लाए श्वास, फिर भी कहता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इतने लाने के बावजूद भी यह श्वास इस मनुष्य देह में आए हुए हैं, और यह मनुष्य देह दूसरा भारत में मिला हुआ है, ये बहुत भाग्यवान, और भी बहुत भाग्यवान। इस मनुष्य देह से राम राम कर सकते हो, और इस मनुष्य देह से सदगुरु के शरण में जा सकते हो, जो सदगुरु सिर्फ मृत्यु लोग में मिलता है, मृत्यु लोग में मिलता है, ख्याल मिलाओ चीजें भी, जो सदगुरु सिर्फ पृथ्वी पे मिलता है, पृथ्वी पे मिलता है,
विष्णु के देश में वैकुंठ में नहीं मिलेगा, शंकर के देश में कैलाश में नहीं मिलेगा, सिर्फ पृथ्वी में मिलता है, मतलब भरत खंड में मिलता है, मतलब भरत खंड में मिलता है, ये ख्याल में लाओ। चीन सदगुरु मिलता है सहज में, आपने इतनी पूंजी लाई हुई है, आपको सिर्फ शरण में जाना है और राम 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 करना है, लाभ कमाई हो जाएंगी आपकी, लाभ कमाई, लाभ कमाई, मतलब क्या कहते, के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया, जिन्होंने राम राम किया, जिन्होंने सदगुरु का शरण धारण किया, जो भरत खंड में आए और राम राम किया, नयनचर की प्राप्ति की, नयनचर की ध्वनि लगाई, अखंड ध्वनि लगाई, उन्होंने लाभ कमाई की, लाभ है ना सबसे श्रेष्ठ, सबसे भारी, सबसे ऊंची, जो गिनती में नहीं आती, ऐसी कमाई उन्होंने की, लाभ कमाई की, यानी फिर इसके आगे और कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है। और फिर बाकी के लोग क्या करते, अभी देखो आप बाकी के लोग क्या करते, बाकी के लोग क्या कर रहे, एक ने क्या किया, 77,76,00,000 जो पूंजी मिली भरत खंड में आने के बाद, मनुष्य देह में आने के बाद, तो उन्होंने सदगुरु ढूंढा और सदगुरु के शरण में आए, और सदगुरु के शरण में आने के बाद सदगुरु का ज्ञान सुना, सदगुरु का ज्ञान सुना, सदगुरु ने राम राम करने को कहा, राम राम किया, राम राम करके नयनचर की प्राप्ति की, नयनचर की प्राप्ति करके दसवेदार खोला, और दसवेदार खोल के अखंड ध्वनि लगाई। यह एक काम एक जने ने किया, एक जने ने यह काम किया, दूसरे जने ने कौन सा काम किया, दूसरे ने यह, दूसरे ने क्या काम किया, संसार संभाला, संसार संभाला, काम धंधा संभाला, पैसे जमाए बराबर, और भक्ति भी की, किसी ने विष्णु की, किसी ने शंकर की, किसी ने देवी देवताओं की, इन्होंने भी कमाई की, मगर लाभ कमाई नहीं की, छोटी सी कमाई की, कैसी, जैसा खेती करने वाला रहता, खेती करने वाला दररोज खेती करता, लाता 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, ऐसी कमाई की इन्होंने, समझ में आई बात, जो यह आत्मा को, अंदर जो आत्मा है, यह आत्मा को हमेशा पुरने वाली नहीं है, वो कुछ दिन तक पुरेगी, वापस दुख देना चालू हो जाएगा, कमाई खत्म हो गई, वापस गरीब हो गया, फकीर हो गया, दुख देवाल चालू हो जाएगा, ख्याल में आ रही के बात, ये बात ख्याल में लाओ चीज, आप समझ में आ रही के बात, कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा को, यह सद्गुरु के शरण में आने के बाद, यह आत्मा ने ऐसी कमाई कर ली, यह शरीर ने यह आत्मा को ऐसी कमाई कर दी कि अब यह आत्मा को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, यह आत्मा को अमर शरीर मिल गया, अमर शरीर, यह आत्मा अमर शरीर में रहने चलेगी, आगे देखने की जरूरत उसको है नहीं। मगर यह दो नंबर का आदमी जिसने विष्णु की भक्ति की, शंकर की भक्ति की, देवी देवताओं की भक्ति की, इन्होंने भी कमाई की मगर लाभ कमाई नहीं की। अब यह भी विष्णु के देश में जाएंगे, वहां पे रहेंगे, वहां पे कर्मों के हिसाब से भोगेंगे सुख, सुख भोगने के बाद यहाँ की करेंसी यानी पैसे, यहाँ के पुण्य खत्म हो गए कि वापस नरक में आना पड़ेगा, वापस 84,00,000 योनियों में आना पड़ेगा, तो ये कमाई कैसी हो गई, छोटी सी कमाई होगी, ज्यादा कमाई हुई नहीं, इसलिए यह कमाई हमको नहीं करना है, हमको कौन सी कमाई करना है, लाभ कमाई करना है, बढ़िया कमाई करना है। फिर कोई क्या करता है, कुकर्म करता, जुआ खेलता, पाप कर्म करता, ये हो गया दूसरा, तीसरा, तो इसने तो कोई प्रकार की कमाई की नहीं, इसने क्या किया, कुकर्म किया, सीधा नरक में जाएगा, सीधा 84,00,000 योनियों में जाएगा, ये तीसरा हो गया, क्या कहते हैं, कई एक मूल ठगाया, अब यह कुकर्मी जो है, इसने तो मूल ही ठगा दिया, इतना भारी मनुष्य देह मिला था, 77,76,00,000 श्वास मिले थे, सब कहां चले गए, मिट्टी में चले गए, मिट्टी में चले गए, सब मिट्टी में चले गए, इन्होंने थोड़ा सा सार्थक करने की कोशिश की, थोड़ी सी कमाई करने की कोशिश की, मगर कमाई कैसी थी, क्षणिक, आखिर तक पुरने वाली नहीं थी, तो ये भी हमारे लिए धोखा है, ये तो पूरेपूर धोखा है, पूरेपूर खराबी है, धोखा है, पर ये भी हमारे लिए धोखा है। फिर हमारे लिए सच क्या है, लाभ कमाई, ख्याल में आई क्या, लाभ कमाई ख्याल में आई, क्या कहते गुरु महाराज, देखो आप, कई एक कर गया लाभ कमाई,
कि एक मूड़ ठगायो। मूड़ क्या मिला था हमको? 77,76,00,000। फिर मनुष्य देह मिला था, वो भी भारत खंड में मिला था, भारत खंड में मिला था, भारत खंड में मिला था। यह मूल हमने ठगा दिया, गमा दिया, गमा दिया। अबे वापस कब मिलेगा मनुष्य देह? मरने के बाद कब मिलेगा? त्रेचालीस लाख 20,000 साल के बाद, 84,00,000 योनियां भोगने के बाद कम से कम तबे मनुष्य देह मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि अभी मर गया कि वापस दूसरे घर में आ गया हूं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये गड़बड़ में रह जाओगे तो फिर तो ऐसा नहीं रहता। 43,20,000 साल भोगना पड़ता, वो भी अच्छे से भोगना पड़ता। गाय, कुत्ता, ढोर, बिल्ली, सांप, बिच्छू, यह योनियों में जाना पड़ता, यह योनि में बहुत दुख भोगना पड़ता। जब नरक में जाना पड़ता, नरक में वो 84 नरक जो है और बाकी जब नरकी जीवन जो भोगना पड़ता, उसके बाद यह मनुष्य देह मिलता है। यह मनुष्य देह इतना सोपा साधा नहीं है, आप दिमाग में रख लो चीज। अरे यह मनुष्य देह को ब्रह्मा देव, विष्णु, शिव देवा, यह सब इस मनुष्य देह की चाहना करते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, देवी, देवी देवता, सब ये मनुष्य देह की चाहना करते। इतना ऐसा भारी मनुष्य देह है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस मनुष्य देह की चाहना करते क्योंकि इस मनुष्य देह से लाभ कमाई की जाती, लाभ कमाई। इस मनुष्य देह क्यों चाहना करते? देखो आप क्यों चाहना करते कि मनुष्य देह में आपको 77,76,00,000 श्वास मिले हैं जिनमें आप राम राम कर सकते हो। यह मनुष्य देह मृत्यु लोक में मिलता और मृत्यु लोक में ही सदगुरु मिलते। सदगुरु कुछ विष्णु के देश में, शंकर के देश में नहीं मिलते। कहां मिलते? मृत्यु लोक में मिलते। इसीलिए यह मनुष्य देह महान है क्योंकि मृत्यु लोक में यह मनुष्य देह मिलता। सदगुरु कौन है? मनुष्य के जैसा ही है, मनुष्य देह ही है, और मृत्यु लोक में मनुष्य मिलता तो यह सदगुरु के शरण में जाता। इसलिए भारत खंड में और मृत्यु लोक में मनुष्य देह, यह इसके लिए यह सब तड़पड़ते। यह ब्रह्मा कहता, विष्णु कहता कि मुझे मनुष्य दे दो। अओ प्रभु मानवतन दीजे, अओ प्रभु प्रभु मानवतन दीजे, भरत खंड के माही। ऐसा बोलते ग्रंथों में लिखा है कि भरत खंड में मुझे मनुष्य दे दो और हमको मिला है, और हम काय में लगे है? काय में लगे? माया के प्रसारण में लगे। काय में लगे? माया के प्रसारण लगे। क्या कहते देखो आप, इंद्राद ब्रह्मादिक बंचत ओ नरतन हे भाई। आगे दूसरी साथ, यह नर्तन आपको मिला हुआ है। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। यह उम्र का तकाजा है, कोई 10 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, मगर आपके पास मनुष्य देह है, बहुत बड़ा चीज है। आप ख्याल में लाओ, 70 साल का है, स्मरण भजन करता है तो सबसे बढ़िया चीज। 25 साल का, 25 साल का जवान है मगर स्मरण भजन नहीं करता है तो सबसे खराब चीज। इसलिए उम्र कितनी है उस पे मत जाओ, जितना भजन करोगे उतनी आपकी उम्र, ये ख्याल में लाओ जी। अगर आपने दर रोज हर रोज अगर आपने 2 घंटे स्मरण किया, कितने घंटे? 2 घंटे, तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 2 घंटे, फक्त 2 घंटे उम्र है आपकी। आपने बाकी का जो आपका जो 22 घंटे है, ये आपकी उम्र है ही नहीं सही उम्र। ये आप फक्त जानवर के जैसे व्यर्थ डाल रहे हो, बस यही आपकी 2 घंटे उम्र है। क्योंकि आप आए ही काय के लिए? लाभ कमाई करने के लिए आए। यही 2 घंटे आपने जो किया वो सही किया, बाकी सब गलत किया। इसलिए आप जितना स्मरण करते हो उतनी आपकी उम्र है।
ख्याल में लाइए, ये भी चीज़ ख्याल।